नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, क्या रहा दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत म्यांमार सीमा को लेकर, जहाँ पर असम राइफल्स के जवानों पर हमला हुआ और उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। भारत म्यांमार सीमा पर तलाशी अभियान में उग्रवादी गुट पीपुल लिबरेशन आर्मी के हमले में असम राइफल के 3 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए। हथियारबंद पीएलए के उग्रवादियों ने अचानक से जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। खबरों की माने तो म्यांमार की सीमा से सटे मणिपुर के चंदेल जिले में ये जो आतंकवादी थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे। और आपको बता दें कि ये जो हमला था वो सोची समझी चाल थी। आतंकवादियों ने पहले एक आईईडी विस्फोट किया और फिर सैनिकों पर गोलियां चलाई। साथ ही अब ये भी खबर आ रही है कि मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीबन 100 किलोमीटर दूर इस जगह पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। माना जा रहा है कि उग्रवादी संगठन चीन से नियमित रूप से वित्तीय सहायता और हथियार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उसने उत्तर पूर्व में अपने नेटवर्क को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारतीय खुफिया एजेंसी का कहना है कि ये सहायता कई दशक से सीमावर्ती क्षेत्र में निरंतर उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। और ये जो पीपुल लिबरेशन आर्मी जो वहाँ के उग्रवादी संगठन है, वे सक्रिय रूप से वहाँ पर अपनी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उसमें एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसको अशांत किया जा सके, साथ ही चीन के साथ वो अपना नेटवर्क मजबूत बना सके। ऐसे में भारतीय सेना को यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को लेकर, चीन के दुस्साहस को लेकर। और आप ये भी समझ सकते हैं कि चीन धोखा दे रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत ने चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच जो सैन्य तनातनी बढ़ी है वो लंबे समय तक चल सकती है। ऐसे में भारत ने चीन से लगी सीमा पर 35,000 अतिरिक्त जवानों को भारत तैनात करने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस कदम से 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो यथास्थिति है वो बदल जाएगी। दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सैनिकों की तैनाती वहां पर करना, इससे हमारे सेना के बजट में काफी भार पड़ेगा और इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पूंजीगत खर्चों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। अगर रक्षा बजट को यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया तो समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगा कि बहरहाल हमें रक्षा बजट भी बढ़ाना होगा, साथ ही सैनिकों की तैनाती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज वहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी हाल में वहाँ पर अपनी पोजिशन को भारत को मजबूत बनाना होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो दहशत को लेकर आ रही है। जी हाँ, दहशत, वो भी किसकी? पाकिस्तान की। राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी वास्तविक रक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। पाकिस्तान ने यही नहीं दोस्तों, विश्व समुदाय से भी गुहार लगाई है। उसका कहना है कि भारत हथियार जमा कर रहा है और उसे हथियार जमा करने से रोकना चाहिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को बढ़ा रहा है। साथ ही उनका ये कहना है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश भी बन चुका है। ये दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। राफेल जेट ने पाकिस्तान की बेचैनी को इसलिए भी बढ़ा दिया है कि उसके पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो राफेल का मुकाबला कर सके। राफेल का खौफ इतना है पाकिस्तान पर कि इन विमानों के ठीक आने से पहले ही पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से आपात बैठक करनी पड़ गई। राफेल के आने पर अब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। इराक और लीबिया में अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन करने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी टक्कर पाकिस्तान के अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट से होगी। सूत्रों का मानना है कि राफेल जंग में गेम चेंजर साबित होगा और इसके आने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स पर दबाव बढ़ना जायज है। एक राफेल जेट को रोकने के लिए पाकिस्तान को करीबन अपने 2 F-16 की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत के पास राफेल विमान होता तो उस वक्त भारत कम से कम पाकिस्तान के 12 F-16 विमानों को मार गिराता। और यही नहीं, भारत को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भी नहीं घुसना पड़ता। यानी कि टेंशन माथे पर पड़ चुकी है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार लगा रहा है कि हमें बचाओ, कि भारत क्यों इतने हथियार खरीद रहा है। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए कि अब भारत की जो वायुसेना की जो शक्ति है वो काफी हाई होने वाली है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और टेक्नोलॉजी को साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष जनरल प्राबो सुबियांतो के बीच हुई बातचीत के दौरान रक्षा और सैन्य संबंधों को विस्तार से बढ़ाने पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि भारत द्वारा इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का संभावित निर्यात
और नौसेना सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के मुद्दों पर बातचीत हुई है। बैठक के दौरान सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया भी शामिल थे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, तो वो मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारत में निर्मित किए जा सकने वाले हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि डीएसी में इस संशोधित मसौदे का सुझाव दिया गया है, ताकि स्वदेशी यानी कि भारत में हथियार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संशोधित दूसरा मसौदा रक्षा सुधारों के अनुरूप है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। आपको बता दें कि रक्षा उत्पादन, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना है, वे अब इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने 10 अगस्त 2020 तक सभी स्टेक होल्डर्स के लिए उनकी राय मांगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय आयात के लिए प्रतिबंधित हथियार प्लेटफॉर्मों की एक लिस्ट को जारी करेगा, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया परियोजना के लिए एक प्रमुख बजट तैयार किया है। इसमें घरेलू पूंजी खरीद के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। डीएपी का पहला मसौदा, जिसे रक्षा खरीद प्रक्रिया कहा जाता है, इस साल 20 मार्च को जारी किया गया था। एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसे 10,000 से अधिक पन्नों के पहले मसौदे में कई हितधारकों के यानी कि स्टेक होल्डर्स के सुझाव मिले हैं। इन सुझावों का विश्लेषण करने और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के बाद मंत्रालय ने संशोधित डीएपी जारी की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक संशोधित डीएपी में 4 नए अध्याय होंगे। इनमें लिंजिंग, आसानी से पूंजी व्यय प्रक्रिया, सिस्टम उत्पादों और आईसीटी प्रणालियों का अधिग्रहण, डीआरडीओ से खरीद, डीपीएसयू यानी कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीद शामिल है। रक्षा उत्पादन विभाग के मुताबिक 2020 से 21 में भारत का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करना है। विभाग ने कहा है कि 2019 से 20 और 2018 से 19 में भारत का रक्षा निर्यात 9,115 करोड़ रुपए और 8,320 करोड़ रुपए तक रहा था। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, तो वो स्पेस इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है। पूर्व इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने कहा कि भारत की वर्तमान में विश्व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग जो भागीदारी थी वो $400 बिलियन की थी, जिसमें भारत का हिस्सा महज 3% था। उन्होंने कहा कि भारत का हिस्सा 10 से 15% के बीच बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि जनवरी 2015 और जनवरी 2018 के बीच उन्होंने इसरो का नेतृत्व किया था। आगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में 9 भारतीय स्टार्टअप थे जो भारत के अंतरिक्ष उद्योग को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, और इसरो ने उन्हें इस क्षेत्र में सम्मानित भी किया है। इनमें से कुछ थे एग्जॉट स्पेस, ध्रुवा स्पेस और बेलाट्रिक्स। इन सालों में इसरो ने 225 उद्योगों को 350 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की है। दोस्तों यहां पे अगली खबर की बात करते हैं, तो नासा को लेकर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन मार्स 2020 फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है। इस मिशन में परसिवेरियंस रोवर को मंगल की सतह पर भेजा जा रहा है। अपने मिशन के दौरान ये रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अतिरिक्त इस रोवर की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर भी लाया जाएगा। आपको बता दें कि इस रोवर के साथ इंजीनिटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी है, जो मंगल ग्रह की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बारी में 6 फीट तक आगे जाएगा। हर प्रयास के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। आपको बता दें कि ये रोवर अत्याधुनिक लैंडिंग तकनीक से लैस है। इसके अलावा इस रोवर में कई कैमरे और माइक्रोफोन्स लगे हैं, जो मंगल ग्रह की तस्वीरों और वहां की आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लगे सुपर सैनिटाइज सैंपल रिटर्न ट्यूब चट्टानों से नमूना इकट्ठा करेंगे, जिससे मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने के सबूतों को ढूंढा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं, तो वो आ रही है अमेरिका को लेकर। अभी तक न्यूक्लियर पावर सबमरीन को समंदर के अंदर सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, लेकिन अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए कुछ और तैयारी भी कर रहा है। इन दिनों अमेरिका की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी बोइंग एक ऐसे ड्रोन सबमरीन का ट्रायल कर रही है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को पल भर में डुबो सकती है। इस ड्रोन पनडुब्बी के निर्माण से युद्ध के दौरान नौ सैनिकों की जिंदगियां जोखिम में नहीं होंगी। वे सुरक्षित दूरी से इस ड्रोन पनडुब्बी को ऑपरेट कर दुश्मनों के खिलाफ घातक कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने तो 13 फरवरी 2019 को इन ड्रोन को बनाने के लिए बोइंग के साथ $43 मिलियन का करार किया है। इस डील के तहत बोइंग 4 और का एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडर्स व्हीकल्स यानी कि XLUUVS पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। ये ड्रोन पनडुब्बियां एक बारी में 6,500 नॉटिकल मील की दूरी तय करने में सक्षम होगी। ऑर्का क्लास की ये पनडुब्बियां
माइन काउंटर मेजर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम होंगी। अमेरिकी नौसेना के लिए इन ड्रोन पनडुब्बियों को गेम चेंजर माना जा रहा है। ऑर्का क्लास की एक पनडुब्बी अपने मिशन डिप्लॉयमेंट के दौरान 46 लाइटवेट टॉर्पीडोज को लेकर जा सकती है। इसके अलावा ये पनडुब्बी 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज को भी कैरी कर सकती है। इन टॉर्पीडोज की मदद से समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मनों की किसी भी युद्धपोत को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है। ये पनडुब्बियां समुद्र में माइन को बिछा सकती हैं, यानी कि इससे अमेरिका की नौसेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।